क्लोज पर एक बार बहुत बड़ा रैंप बना दिया जाता है ये जानने के लिए कि लैम्बोर्गिनी की कार जीतेगी या फिर हमारी महिंद्रा की थार जीतेगी। और जो भी कार इस पुल को पार करके नदी को चीर फाड़ के सामने फिनिश लाइन तक जाएगी वो कार जीत जाएगी। तो अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया वाली कार को जरूर देख के जाना। तो दोस्तों पहले नंबर पे जा रही है वो कार जिसको खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं, यानी कि लैम्बोर्गिनी की सुपर कार। तो दोस्तों यहाँ पर लैम्बोर्गिनी ने अपनी फुल स्पीड दे दी है और अब धीरे धीरे वो पानी की तरफ बढ़ रही है। और दोस्तों अभी गाड़ी की स्पीड हो चुकी है 200 प्लस और वो पानी के अंदर डूब चुकी है और फिर भी पानी से बाहर आ रही है और ये गाड़ी ने यहाँ पर अपना दम तोड़ दिया है। तो लैम्बोर्गिनी की ये सुपर कार फेल हो चुकी है। तो अब दूसरी कार देखने से पहले ना ही मैं वीडियो में आप लोगों को माँ की कसम देता हूँ ना ही फोन की कसम देता हूँ। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और दूसरे नंबर पे आ रही है महिंद्रा कंपनी की थार और बहुत ही आसान तरीके से पानी को पार करके फिनिश लाइन तक पहुंच गई। कमेंट करके बताना आपकी फेवरेट कार कौन सी है।